अगर आपने रायपुर में कचरा जलाया तो आप पर कार्रवाई होगी। देखिए रायपुर में अब कचरा जलाने वालों पर कार्रवाई होने वाली है। पॉल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियों पर भी एक्शन होता नजर आएगा। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेल की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है और अलग अलग विभाग के अधिकारियों को इसके लिए आदेश भी दिए गए हैं। फैक्ट्रियों में लगे उपकरणों में जांच के निर्देश दिए गए और सड़कों पर एसटीपी वाटर का छिड़काव किया जाएगा। तो देखिए रायपुर में कचरा जलाने वालों पर अब कार्रवाई होने वाली है। पॉल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियों पर भी एक्शन होगा। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेल की बैठक हुई जिसमें ये बड़ा फैसला लिया गया और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ खोमन साहू लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। खोमन, एक बड़ा फैसला लिया गया एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेल की बैठक में, क्या कुछ आदेश यहाँ पर अधिकारियों को दिए गए हैं? किसी टेक्निकल इशू की वजह से खोमन की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, जल्द उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि देखिए जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, अब इसी को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कचरा जलाने वालों पर कार्रवाई होने वाली है। पॉल्यूशन फैलाने वाली जो गाड़ियां हैं उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेल की एक बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया और अलग अलग विभाग के जो अधिकारी है उनको दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो वही आपको यह भी बता दें कि फैक्ट्रियों में जो उपकरण लगे हैं उनकी जांच होगी कि आखिर उससे कितना प्रदूषण निकल रहा है और उससे कितना नुकसान हो रहा है। वहीं सड़कों पर एसटीपी वाटर का भी छिड़काव होगा। आपको इसके साथ ये भी बता दें कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के बाद भी यहां पर अधिकारियों से कही गई है। तो देखिए एक बड़ा फैसला यहां पर सरकार की तरफ से लिया गया, एक बड़ी बैठक हुई और जिसमें कहा गया कि अगर रायपुर में किसी ने कचरा जलाया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। पॉल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियों पर एक्शन होता नजर आएगा। तो इसके लिए अलग अलग विभाग के सभी अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।